लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, क्वीर के उत्थान के लिए मितवा समिति के बैनर तले तृतीय लिंगी समुदाय रविवार को घड़ी चौक से मरीन ड्राइव तक प्राइड वॉक का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में प्राइड वॉक के माध्यम से विभिन्न कलाकार अपनी कला समानता और सहिष्णुता का संदेश साझा करेंगे। प्राइड वॉक में गाजे बाजे के साथ थर्ड जेंडर के लोग नाचते दिखेंगे। साथ ही वे अपने हाथों में बैनर पोस्टर के माध्यम से संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वे भी इंसान हैं, उनसे नफरत मत करे का। पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 23 ट्रांसजेंडर पुलिस हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है कि लोग छत्तीसगढ़ विजिट करते हैं और यहाँ का जो मॉडल है वो अपने स्टेट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ना सिर्फ स्टेट में बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी। ये कल का जो दिन है वो बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंगिक अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको वो पहचान नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता, वो स्थान नहीं मिलता, तो उनको एक LGBTQ होने का जो अधिकार है उसके लिए एक गौरव यात्रा है और एक शोभा यात्रा है जो घड़ी चौक से तेली बांधा तक निकलेगा, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग शामिल होंगे और ना सिर्फ वहाँ LGBTQ के लोग होंगे बल्कि और भी दूसरे लोग होंगे। वो तमाम लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सरकार के लोग हैं, चाहे वो दूसरे NGO के लोग हैं या पत्रकार भाई बहन हैं, वो तमाम लोग होंगे और इस गौरव यात्रा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में प्राइड मार्च जो है पहली बार होने जा रहा है, तो लोगों के बीच में इसका कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? इससे एक बार पहले हो चुका है, ये दूसरी बार हो रहा है और दो बार कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया था और पहली बार में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि हम लोगों ने लगभग 500 मीटर से लंबा फ्लैग हम लोगों ने किया था और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे और ना सिर्फ लोग बल्कि छोटे बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा और आप सब लोग उसके एक साक्ष्य बनेंगे। मैसेज बस यही है कि हमें एक्सेप्टेंस मिले और कभी हमारी कोई उम्मीद नहीं रही, कभी कभी हमारी उतना कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहा कि एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, हम जैसे हैं हमें वैसे अपनाया जाए, क्योंकि हम भी इंसान हैं और इसी भारत में, भारत देश पे रहते हैं। सारे भारतीयों का एक संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार हमें मिलना चाहिए, सम्मान अधिकार हमें मिलना चाहिए, दैट्स इट। हमें शादी करने की हक चाहिए, हमें अपना बच्चा अडॉप्ट करने का हक चाहिए, हम ब्लड डोनेट कर पाए वो हक चाहिए, हमारे लिए भी पॉलिसी हो, हमारे लिए भी प्रोटेक्शन राइट्स हो, दैट्स इट। कल कौन कौन शामिल रहेंगे आपके इस कार्यक्रम? कल हमारे साथ जैसे कि मितवा संकल्प समिति है और ये ट्रांसजेंडर का ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी कम्युनिटी के लिए, LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम करती है। हमारे सारे सीनियर साथियाँ रहेंगे, विद्या जी, रवीना जी, पप्पी जी, रवि अमरानी जी और भी भारतवर्ष के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देश से भी और कुछ विदेशी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं जो कम्युनिटी से है और हमें सपोर्ट करने के लिए। तो यस, इवन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो हमें कल ज्वाइन करेंगे प्राइड मार्च पे। जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले बताया था, ये मार्च एक अधिकार की मांग का है और एक्सेप्टेंस का है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें खाली LGBTQ कम्युनिटी के लोग रहेंगे, आप सभी आ सकते हैं और सबको आना चाहिए क्योंकि एक इंसान को एक इंसान के लिए एक जो सहनशीलता रहना चाहिए, एक जो एम्पैथिक नेचर रहना चाहिए, वो सारे दिखने चाहिए एक ही जगह पे। तो यस, कल सब आइएगा घड़ी चौक पे। मेरा नाम सिद्धांत है और मैं क्वीरगर्ड कलेक्टिव है, यूथ कलेक्टिव है जो LGBT की कम्युनिटी के लिए काम करता है। आयोजन हमारा जो क्वीर प्राइड मार्च था वो 2019 से चालू हुआ, पता चला होगा। तो ये इसको करवाने के पहले हम बहुत सारे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करवाते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले, एंड हमारा प्रयास अब तक रहा है कि हम यूथ में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं क्योंकि शुरुआती दौर में ये छोटे से ही चीज़ें चालू होती हैं, जब बचपन में रहते हैं तभी से चीज़ें चालू होती हैं, भले स्कूल हो, कॉलेजेस हो। तो मेरा और हमारा सबसे ज़्यादा यही प्रयास रहा कि हम स्कूल्स में सेंसिटाइजेशन करवाएँ, कॉलेजेस में करवाएँ, अभी और प्रयास बाकी है हमारा। और इस आयोजन में बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं और साथ ही साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी वॉलंटियर्स आने वाले हैं, ऑफिसर्स जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं रायपुर के। तो एक बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है जिसमें हम आशा करते हैं कि रायपुर में एक और स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, एक और कदम आगे बढ़ेंगे सभी को साथ लेकर चलने के लिए। अपना नाम बता दीजिए। अंकित दास, एक पत्रकारिता का छात्र हूँ मैं।
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.